दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मेरा एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी फैट साइकिल को असेंबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोरियां सारी हटा देता हूं, एक एक करके पूरी रस्सी काट देता हूं और धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स को निकाल देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं अभी व्हील मेरा बाहर आ चुका है। ये व्हील मेरा बाहर निकल के रख चुका है। अब इस व्हील को मैं अभी साइड में यहाँ रख देता हूँ। इसमें एक पैडल, एक एक्स्ट्रा पैडल सेटअप है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसके साथ आपको बेसिक टूल्स भी आते हैं, जैसे 16 नंबर का पाना, तो जो उसके हिसाब से आपकी पैडल सीट व्हील्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये साइकिल मैंने डेली में यूज कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैली दिख रही है। ये सीट हो गई। उसके बाद अब यहाँ से ज्यादा पोर्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ, मैंने सारे पार्ट्स देखे। जैसे साइकिल को अब ये ओपन करके रख दिया है, मेरा फ्रेम हो गया, ये मेरे व्हील्स हो गए हैं, उसके बाद मेरा हैंडल आप देख सकते हैं। अब इसके साथ मैंने क्या एक्स्ट्रा में खरीदा सामान मैंने डेली से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक मैंने ऐसा हेलमेट खरीदा, उसके बाद ये मेरे दो मडगार्ड्स हैं, एक फ्रंट और एक रियर का। ये जो बड़ा वाला है ये रियर का, ये फ्रंट का मडगार्ड है। ये एक्स्ट्रा ग्रिप्स खरीदी, ये मेरी साइकिल में फ्रंट गियर्स नहीं आए थे तो इसलिए मैंने फ्रंट गियर्स की एसेसरी खरीदी। ये तीन गियर्स का सेट है। उसके बाद ये दूसरे साइड का पेडल और ये गियर शिफ्टर, उसके बाद ये फ्रंट के गियर शिफ्टर्स हो गए दोनों साइड के, आप ये देख सकते हैं हैंडल के गियर शिफ्टर हैं। बॉटल होल्डर है, ये जो फ्रंट वाला गियर का जो चेंजर है, ये एक्स्ट्रा एक सीट खरीदी थी। और उसके बाद एक ही एक्स्ट्रा सेट डिस्क ब्रेक खरीदा था, मैं आगे डबल डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाला था, तो ये डबल डिस्क ब्रेक वाला एक हब मैंने खरीदा, उसके साथ डिस्क ब्रेक पूरी कंप्लीट एक्सेसरीज, ये डिस्क ब्रेक और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा, पहले मैं आपको साइकिल को बेसिक कैसे है आपकी उसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट व्हील से इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। फ्रंट व्हील मैंने लेके आया, उसके बाद इसको मैंने फ्रेम को अभी हैंडल उठाया, इसको सेटअप किया, हैंडल को अभी मैंने यहाँ से सीधा कर लिया, ये हैंडल को सीधा किया, इसको ऐसे उठाना है आपको, ये हैंडल आपने सेट किया। ये आपका हैंडल, पहले आपको वायर से एक सेटअप करना है, ये वायर से इसके साथ आता है। और इसके बाद आप ये देख लीजिए आपका डिस्क पैड किस तरफ, जैसे ये डिस्क ब्रेक यहाँ है तो ये डिस्क इस साइड आएगा, और आपको कुछ ये करना है डायरेक्ट इसको व्हील पर इसके अंदर आना है और यहाँ पे आपको इसको सेटअप कर देना है। मैं आपको व्हील बता देता हूँ, ये एक नट आपका यहाँ बैठा, हल्का सा नट को रिलीज कर लीजिएगा। अब ये फ्रंट व्हील सेटअप हो चुका है, फ्रंट व्हील आप देख सकते हैं। इसके बाद अब उसके बाद हम सेटअप करेंगे रियर के व्हील को। रियर के व्हील के लिए हम साइकिल को जो है पहले पलटा लेंगे, उसके बाद सेटअप करेंगे ताकि ये इजिली सेटअप हो जाए। अब हम रियर व्हील को सेटअप करने के लिए सबसे पहले साइकिल को ऐसे पलटा लेते हैं ताकि जो है गियर हमारे इजिली सेटअप हो जाए। साइकिल को मैंने धीरे से, आप इसको चाहे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसलिए खुद अकेले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको चेन को पहले सीधी करना है, ये आप गियर में सेटअप करना है। उसके बाद आपको ये जो आपको देखना है जिस साइड आपका गियर है, जैसे इस साइड चेन गियर वाला पॉकेट है तो ये आपको गियर यहाँ सेटअप कर, इस साइड सेटअप करना है, और इस साइड आपके डिस्प्ले गियर लगे आपके तो डिस्प्ले आपको यहाँ सेटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मेरा स्टैंड सेंट टकरा रहा है, स्टैंड को भी निकाल देते हैं। स्टैंड को भी यहाँ रख लिया मैंने साइड में, तो व्हील सेटअप हो चुका है। अब मैं साइकिल को एक पलटा लेता हूँ ताकि इसको जो है इजिली दोनों नट को कस लेंगे। ये देखिए आपकी जो साइकिल है ये सेटअप होकर रख गई है। अब इसको जो है हैंडल को इसको टाइट करना है, उसके बाद स्टैंड इसको सेटअप करना है। अब ये पीछे का गियर ये जो कि सेटअप हो चुका है, इसके बाद यहाँ से अभी तो व्हील को हल्का से टाइट कर लिया है, बाद में इसको फाइनल टाइटअप करेंगे ताकि जो है व्हील अभी बाहर ना आए गाड़ी बॉडी से। सीट को बिल्कुल सीधा देख करके यहाँ से आप इसको लॉक कर दीजिएगा।
और आपकी सीट सेटअप हो गया, उसके बाद मेरा फ्रंट हैंडल सेटअप करना और ये मेरी साइकिल कंप्लीट होके तैयार हो जाएगी। ये हैंडल के लिए एलर्जीज के साथ आइए। पहले आपको जो चार कैलिपर्स इसको ये नट को आपको उनको ओपन करना होगा। ये नट ओपन होने के बाद आपको हैंडल यहाँ सेटअप करना है। नट ओपन हो गया है, अब उसके बाद मैं हैंडल को एक बार मैंने यहाँ से चेक कर लिया कि कहीं वायर बैठ तो नहीं है, वायर बिल्कुल सही है। इसके बाद ये हैंडल को मैंने स्ट्रेट जगह लेकर के अभी इसको जो है जस्ट अ सिंपल एक क्लिप से टाइट अप कर दिया है। अब उसके बाद ये जो आपके चार नट है इसको आपको कनेक्ट करना है। नट आप हरदम इंक्लाइन डायरेक्शन में जैसे टाइट करें, पहले आप ये वाला नट टाइट करें, फिर ये वाला नट को टाइट करें, फिर उसके बाद इसके ऊपर वाला, फिर उसके बाद कॉर्नर पे वाला। अब इसके बाद एक आखिरी पोर्शन बचता है, इसमें स्टैंड इंस्टॉल करना है। स्टैंड इसमें फैट बाइक्स में आता नहीं है, मगर फिर भी मैं अलग से लेकर के आपको सामने दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है। ये दिया हुआ है, यहाँ आपने एलएनकी की हेल्प से आपको जो है नेट आपको इसमें सेटअप करना है। ये एलएनकी इसके साथ आते हैं, अभी तो एक एक मैंने नेट जितना हाथ से कसता है उतना कस लेता हूँ। उसके बाद ये दूसरा नट है, याद रखिएगा आप क्या ये जो डिस्प्ले के इससे हाथ से टकराने और ये स्टैंड से जो है आपका ये स्टैंड टकराएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें इसमें भी यहाँ पे गैप्स होता है, इसको मैंने आगे करके सेटअप किया हुआ है। अब इसके बाद मैं इसमें वाटर होल्डर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये अब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। बेसिक जो साइकिल जो थी फिट साइकिल वो आपकी इंस्टॉल होकर तैयार हो चुकी है। ये आपके फ्रंट के डिस्क ब्रेक वर्क कर रहे हैं, रियर के डिस्क ब्रेक वर्क कर रहे हैं, स्टैंड आपका चालू हो गया। अब ये जेल वाला सीट कवर है, इसको मैंने क्या है अब इसको जो है सीट में इंस्टॉल करना है। बहुत ईजी होता है, इसको कुछ नहीं, आपको बस ऐसे ड्रेसअप करना और इसको टाइट अप करना। तो दोस्तों अभी इसके बाद मैंने एक 450 रुपीस की लाइट और एक बेल्ट खरीदी। ये लाइट के अंदर ही एक बेल्ट भी है, लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे एक स्विच है, यहाँ स्विच है, तो ये देखिए आप एक बार देख रहे हैं, ये एक बार ये डिपर, ये फ्लैशिंग मोड, और जैसे इसके साथ ये वायर से कनेक्टेड ये बेल्ट की स्विच आती है और इसमें कोई स्क्रू से कसना नहीं होता, ये रबर से इसको टाइट अप हो जाता है। ये ऐसे जो स्विच है आपकी जो हॉर्न की, ये भी ऐसे टाइट अप हो जाती है। आप ये साउंड सुन सकते हैं, साउंड बहुत तेज है और साउंड के इसमें मोड्स भी बहुत सारे चेंज होते हैं। और ये चार्जिंग वाली होती है, यहाँ लेना नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से देख करके इसको देखिए, जैसे मैंने रबर से टाइट अप किया ये हो गया टाइप, और उसके बाद मैंने वायर को इसके ऊपर रोटेट करके ताकि वायर जो है टूटे ना लटके ना, इसके मैंने सीट पर ज्यादा रोटेट कर दिया है हैंडल के ऊपर। और ये करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ये मेरा हॉर्न भी है सेट कर दिया है इसमें। तो ये देखिए और ये जो है ये सेटअप हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मेरी साइकिल जो है बन के तैयार हो गई, ये लाइट हो गई। लाइट में मैं आपको मोड्स जैसे अभी आपको मैंने सही से नहीं बताया था, ये बंद हो गई, ये अपर, ये डिपर, ये फ्लैशिंग, उसके बाद यहाँ पे ये हॉर्न के स्विच है, उसके बाद एक यहाँ पे सेंटर पे एक लाइट लगी है। ये फोम वाला सीट कवर मैंने एक अलग सेटअप इंस्टॉल किया एक्सेसरीज में, ये मैंने लाइट इंस्टॉल किया। यहाँ पे एक देख सकते हैं 360 डिग्री सर्कल ही बना रही है। एक बॉटल होल्डर सेटअप किया है, मडगार्ड अलग से सेटअप किया है, मडगार्ड इसमें आते नहीं है तो मडगार्ड मैंने अलग से लगाए हैं। और अभी गंदी है, एक वॉश हो जाएगी क्योंकि मैंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसको चलाई थी तो इसलिए पूरी गंदी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं पूरी गंदगी लगी हुई है, तो इसको जब ये क्लीन हो जाएगी अंदर से मडगार्ड बाकी पूरे न्यू तो फिर ही कंप्लीट होगा। अभी इसके बाद जो है इसमें अभी एक्स्ट्रा गियर्स और बचे हैं जो कि इंस्टॉल करना है। ये बाल्टी मैंने रखी है सर के साथ और शैम्पू के साथ ताकि इसको एक वॉश और कर लूँगा। दोस्तों फैट बाइक इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को देख करके कोई भी ऑनलाइन जो साइकिल है ना आप उसको परचेस करके अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई खर्चा आता नहीं है। इनफैक्ट दो ही टूल्स में आप जो है पूरी साइकिल को इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। और इसी तरह आप इसको पैक भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने पैक करके लेके आया था इसको दिल्ली से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस देख पाएंगे। मेरे पास और भी ऐसे मैंने वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं अनबॉक्सिंग, वो भी आप देख सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।